मशीन ऑन करने के बाद आपको ये डिस्प्ले पे, यहाँ पे वेट का डिस्प्ले शो करेगा और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। आपको प्रोडक्ट का सेटिंग के लिए डिस्क्रिप्शन की प्रेस करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम पूछेगा, ये जो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ये एरो की से इसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से, लेफ्ट राइट। अभी हम यहाँ पे 1 2 3 4 और ABCD टाइप करेंगे, ABCD 1 2 3 4, इसको एंटर करना है। बैच नंबर भी सेम तरीके से एडिट होगा, ABCD 1 2 3 4। आप A to Z और 0 to 9 की कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसको एंटर करना है। क्वांटिटी भी इसी तरीके से आपको ऐड करना है, यहाँ पे 8 स्पेस X स्पेस 8, 7 कर देते हैं, ए 7 कर दिए, नहीं, खाली 7, 7 डिलीट करने के लिए डिलीट की है, उससे डिलीट कर सकते हैं, एंटर कर। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर और ये क्वांटिटी शॉर्ट में शो करेगा। अभी आप जो भी वेट रखते हैं, इसके वेट आपको पुट करना है वेइंग मशीन पे। वेट रखने के बाद सीधा प्रिंट की दबाना है आपको, इस तरीके से प्रिंट निकल जाएगा। ये जो डेटा है, प्रोडक्ट नेम एंड बैच नंबर एंड क्वांटिटी, ये आप जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक सेम निकलते रहेगा। जस्ट लाइक अभी समझो हमने ये दूसरा वजन रखा है, चेंज नहीं किया है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट मारना है। तो सेम आपको प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर, क्वांटिटी एंड वेट दोनों का डिफरेंस आएगा जो वेट रखेंगे। जब भी आपको ये डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर एंड क्वांटिटी, तो आपको डिस्क्रिप्शन की प्रेस करके आपको जो बताया वैसे करना है। अभी ये मेनू में से बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप की प्रेस करना है, ये डेट एंड टाइम आएगा। ये मोड में आपका डिस्क्रिप्शन की वर्क नहीं करेगा, आपको हमेशा एस्केप की प्रेस करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की में जाना है, आपको जो ऐड करना है तो ऐड करना है, नहीं तो एंटर करके बाहर निकल के इसका प्रिंट लेना है इस तरीके से। अटेंड कर लीजिए।